हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज का वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकती है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें ताकि आप भी ट्रेन खुलने से पहले कंफर्म टिकट बुक करना सीख जाएं। तो दोस्तों, आज का इस वीडियो में आप सभी को ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप भी अपना बोर्डिंग स्टेशन टू डेस्टिनेशन स्टेशन आप टिकट कन्फर्म बुक करना चाहते हैं ट्रेन खुलने से पहले, तो आप इजीली कन्फर्म टिकट बुक कर सकते हैं हमारे इस ट्रिक से। हम जो बताने वाले हैं, जैसे कि आप गौर से ध्यान दीजिए कि अगर आप मान के चले, एग्जाम्पल आपको देते हैं, जैसे कि हावड़ा टू अमृतसर, जैसे कि हावड़ा से अमृतसर ट्रेन का सफ़र करने में 2 से 3 दिन का समय लगता है, ठीक है। तो उस बीच में अगर मान के चलिए आप हावड़ा टू पटना या हावड़ा से बक्सर या हावड़ा से प्रयागराज या हावड़ा से दीनदयाल उपाध्याय या हावड़ा से बनारस तक का टिकट बुकिंग करते हैं, तो आपका टिकट 100% कन्फर्म हो जाएगा, क्योंकि ये जो गाड़ी होती है इन सभी का बुकिंग पार्ट बुकिंग होता है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो 2 महीना पहले 3 महीना पहले बनारस टू अमृतसर या पटना टू अमृतसर या और भी बहुत सारा ऐसे करके पार्ट जर्नी बुकिंग हुआ रहता है। तो मैं आप सभी को बता दूं कि आप किस टाइप से आप अपना कन्फर्म टिकट बुकिंग कर सकते हैं ट्रेन खुलने से पहले। तो ट्रेन खुलने से 4 घंटा पहले आप इजीली टिकट बुक कर सकते हैं। उस टिकट का नाम होता है करंट बुकिंग, ठीक है। तो करंट बुकिंग में मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ, वो आप जाके देख सकते हैं। ये दूसरा मैं करंट बुकिंग का वीडियो बना रहा हूँ। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि आप लोगों को मैं लाइव एक टिकट बुक करके दिखाने वाला हूँ हावड़ा टू बक्सर, ठीक है, ट्रेन खुलने से 4 घंटा पहले। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि ये देखिए हावड़ा अमृतसर में इसका ट्रेन नंबर 13005 है, जो कि हावड़ा से 7:15 में खुलती है और बक्सर में 5:26 पहुँचाती है। तो आज का डेट 22 जून है, तो 22 जून से लेकर 27 जून तक इस ट्रेन में एक भी सीट अवेलेबल नहीं है, बल्कि वेटिंग भी नहीं मिल रहा है, ठीक है। रिग्रेट टिकट शो हो रहा है, आप देख पा रहे हैं, एकदम लाइव मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, ठीक है। मैं इसी ट्रेन में आप लोगों को कन्फर्म टिकट बुक करके दिखाऊंगा, वो भी ट्रेन खुलने से 4 घंटा पहले। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि रिग्रेट शो हो रहा है, मतलब 22 से 27, मेरे को आज 22 तारीख है, आज का ही बुकिंग मैं आप लोगों को करके दिखाऊंगा स्लीपर में। तो जैसे कि अभी आप देख पा रहे हैं 3:02 हो रहा है, ट्रेन का टाइमिंग है 7:15, ठीक है। तो 3:15 से पहले ही आपका इसका चार्ट लग जाता है, ठीक है। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि एक और ट्रेन थी, उसमें मैं चेक किया तो वेटिंग लिस्ट चल रहा था, इसमें देखिए आप अभी भी रिग्रेट शो हो रहा है, मतलब 3:02 हो चुका है, ठीक है। और मैं आप लोगों को करना क्या है कि ट्रेन का चार्ट लगने से पहले आप अपना जर्नी डेट, मतलब जिस दिन आप सफ़र करिएगा उसी दिन, मतलब जिस भी क्लास में सफ़र करिएगा उसको आपको बार बार मतलब सर्चिंग करके आपको बार बार वहाँ रिफ्रेश करते रहना है, क्योंकि चार्ट लगने के बाद तुरंत सीट अवेलेबल शो होता है। कभी कभी 2, 4 चार्ट, मतलब 10-15, कभी कभी ज़्यादा सीट भी अवेलेबल शो हो जाता है, ठीक है। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं चार्टिंग डन, देखिए चार्ट लगना स्टार्ट हो चुका है 3:03 में, ठीक है। तो अभी जस्ट इस ट्रेन का चार्ट लगना, मतलब चार्ट प्रिपेयर होना चालू हुआ है स्लीपर में भी, और थर्ड एसी में भी मैं क्लिक करके देख लिया। अब मैं एक बार सेकंड एसी में भी देख लेता हूँ और फर्स्ट एसी में भी देख लेता हूँ, सभी में आपको देखिएगा तो आपका चार्ट अभी लगना स्टार्ट हुआ है, ठीक है। तो एक्चुअली होता क्या है कि लॉन्ग दूरी की जो ट्रेनें होती हैं, इन लोगों का में पार्ट जर्नी बुकिंग बहुत ज़्यादा होता है, 2 महीना पहले 3 महीना पहले 1 महीना पहले होता है, पार्ट जर्नी बहुत ज़्यादा है। इसमें वेटिंग लिस्ट जो टिकट बुकिंग होता है काफ़ी ज़्यादा होता है, 150-200 वेटिंग लिस्ट चला जाता है, ठीक है। इसके बाद टिकट को रिग्रेट कर दिया जाता है कि क्या क्या आपको वेटिंग टिकट नहीं दिया जाएगा, ठीक है। तो जैसे कि अभी भी इस ट्रेन में अभी चार्ट माने करंट बुकिंग अवेलेबल अभी शो नहीं हुआ है, जैसे ही अवेलेबल शो होगा वैसे ही मैं टिकट बुकिंग करना स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है। तो अभी 3:04 हो चुका है, अभी भी चार्टिंग डन ही दिखा रहा है, अभी भी मतलब आपको कंफर्म सीट अभी अवेलेबल नहीं शो हो रहा है, ठीक है। तो ज़्यादा दूर की ट्रेनों में खास करके ये होता है, अगर आप भी किसी स्टेशन से किसी स्टेशन तक टिकट बुक करना चाहते हैं तो बस आप देख लीजिएगा कि वो जो ट्रेनें हैं वो ज़्यादा दूर तक जानी चाहिए, ठीक है। और आपका जो सफ़र है कम से कम 10-15 घंटा का ही होना चाहिए, 10-15 घंटा से अगर ऊपर होता है तो आपको करेंट बुकिंग में टिकट कन्फर्म नहीं मिलेगा, ठीक है। आपको वही टिकट मिलेगा जो 10-15 घंटा तक दूरी जो ट्रेन तय करती है, वही टिकट आपको कन्फर्म मिलेगा। ये सभी लोगों को कन्फर्म टिकट करेंट बुकिंग में नहीं मिलता है। काफ़ी सारे लोग सवाल करते हैं कि करंट बुकिंग में मेरा टिकट बुकिंग नहीं होता है, तो कारण यही है कि करंट बुकिंग में आप लोगों का टिकट इसलिए कंफर्म नहीं मिलता है क्योंकि आप लोग जहां से ट्रेन खुलती है और जहां तक जाती है वहां तक आप लोग टिकट बुकिंग करने की कोशिश करते हैं, इसीलिए आप लोगों को टिकट नहीं मिलता है। ये बीच का स्टेशन में जो लोग सफ़र तय करने वाले होते हैं उन लोगों के लिए ये करंट बुकिंग होता है, ये सब लोगों के लिए करंट बुकिंग नहीं होता है, ठीक है। तो अभी आपका 3:05 हो चुका है, अभी भी आपका मतलब चार्टिंग
सक्सेसफुली कंप्लीट नहीं हुआ है। देखिए चार्ट कंप्लीट हो चुका है, इसके बाद देखिए करंट अवेलेबल 105 सीट अवेलेबल दिखा रहा है, तो मैं पैसेंजर्स का नाम पहले से मास्टर लिस्ट में ऐड किया हूँ, ठीक है। इसके बाद मैं पैसेंजर का नाम ऐड कर लिया, इसके बाद बुक ऑनली कन्फर्म बात पर मैं क्लिक कर दिया, इसके बाद पे थ्रू भीम यूपीआई सेलेक्ट कर लिया, इसके बाद कस्टमर का मैं मोबाइल नंबर इंटर कर देता हूँ, ठीक है। तो कस्टमर का मैं मोबाइल नंबर इंटर करके रिव्यू जनरल डिटेल्स पर मैं क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। इंश्योरेंस को मैं एनी टाइम नो ही करता हूँ, तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि सीट अवेलेबल शो हुआ ना बस 10-12 घंटा की दूरी तय करने के लिए, सीट देखिए अभी भी करंट अवेलेबल 105 था, अभी 100 हो गया, मतलब 5 सीट बुकिंग हो चुका है, ठीक है। इसके बाद कैप्चा फिल करें, तो कैप्चा फिल करने के बाद प्रोसेस टू पे, इसके बाद मैं भीम यूपीआई से पेमेंट करता हूँ, तो भीम यूपीआई से मैं पेमेंट कर देता हूँ, ठीक है। भीम यूपीआई पे मैं सिलेक्ट करके नेक्स्ट कर दिया, उसके बाद यूपीआई आईडी को क्लिक कर लें, इसके बाद अपना यूपीआई आईडी नंबर दर्ज कर देते हैं, इसके बाद में आप @YBL देने के बाद प्रोसीड कर देते हैं। इसके बाद आपको अपना फोनपे खोलना है, मैं इसी फोन से बुकिंग कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैं अपना फोनपे ओपन कर लेता हूँ, फोनपे ओपन करते ही मेरा फोनपे पे रिक्वेस्ट आ गया होगा IRCTC की तरफ से, और जैसे ही इसमें शो होगा मैं पे ऑप्शन पर क्लिक करके अपना जैसे आ चुका है, देखिए पे पर क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद अपना यूपी मतलब जिस भी बैंक से के थ्रू आपको पेमेंट करना है आप पेमेंट कर सकते हैं, तो मैं अपना पेमेंट कर रहा हूँ, तो मैं मेरा पेमेंट सक्सेसफुली कंप्लीट होने वाला है, ठीक है। जिसके हो चुका है मेरा 371.80, ठीक है। करेंट बुकिंग में आपको थोड़ा कम पैसा भी लगता है टिकट बुकिंग करने में, ठीक है। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि हमारा पैसेंजर्स का कंप्लीट सक्सेसफुली S7 में 23 नंबर साइट लोयर टिकट बुक कंफर्म हो चुका है 100% हावड़ा से बक्सर तक का। सेम इसी तरह से आप भी अपना कोई भी रूट अगर आपका मतलब जिस भी रूट में आप ट्रेवल करना चाहते हैं, तो आप सेम इसी तरह से आप भी अपना करेंट बुकिंग टिकट बुक कर सकते हो। आई होप कि आप सभी को हमारी जानकारी काफ़ी अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करता है कि हमारा अगला वीडियो तक पहुँच सके।